नमस्कार दोस्तों, अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजस्थान कांग्रेस में मची सियासी घमासान को लेकर आ रही है। साथियों बता दें, बीजेपी भी अब हाई कोर्ट पहुंच गई है। वहीं साथियों बता दें, बीजेपी के द्वारा 90 से ज़्यादा एमएलए के जो इस्तीफे हैं उनका दावा किया गया है। आइए जान लेते हैं संपूर्ण जानकारी। भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान पहुँचने से पहले राजस्थान कांग्रेस में फिर घमासान मच सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि राजस्थान कांग्रेस के मंत्रियों का दावा है कि उनकी पार्टी के 90 से विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन तीन बीतने के बाद भी इस्तीफे पर विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला नहीं लिया है। राजस्थान हाईकोर्ट में प्रदेश के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने याचिका में कहा है कि नियम के अनुसार स्वेच्छा से दिए हुए इस्तीफे पर विधानसभा अध्यक्ष को फैसला लेना चाहिए। राजेंद्र राठौड़ कल सुनवाई में खुद इस मामले की पैरवी करने वाले हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का अगला पड़ाव राजस्थान है। इसे लेकर तैयारियां भी जोर शोरों से चल रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में पार्टी के अंदर ही राजस्थान में बढ़ रही सियासी माहौल ने आलाकमान को टेंशन में डाल दिया है। सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच अनबन की खबरों के बीच एक बैठक भी आयोजित हो चुकी है, जो कि कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहीं साथियों बता दें, गहलोत ने इशारों में पायलट को गद्दार कहा था और सचिन पायलट ने भी दोस्तों उसके बाद में पलटवार किया था। वहीं साथियों एक और सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आई थी कि गुजरात चुनाव के बाद आलाकमान तय करेगा और दोस्तों राजस्थान का जो नया सीएम है वो सचिन पायलट भी हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो गुर्जर नेता हैं बैंसला, वो भी विजय बैंसला जी भी अड़े हुए हैं कि हमारा जो हमने जो वोट दिया है वो सचिन पायलट के लिए दिया है, इसलिए गुर्जर नेता सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। दोस्तों आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं, आप सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं या गहलोत को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। चैनल सब्सक्राइब